वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद एक इंटरव्यू देकर फिर से कांग्रेस के लिए समबत उन्होंने आफत खड़ी कर दी है सलमान खुर्शीद ने कहा है कि उनका नेता तो गांधी परिवार ही है खड़गे तो सिर्फ पार्टी चलाने के लिए है कांग्रेस पार्टी को पूर्णकालिक नेता की आवश्यकता थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे है सिर्फ सलमान खुर्शीद ही नहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा ने भी यही बात दोहरा दी है उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी का नेता तो केवल गांधी परिवार से ही है जो मुख्य नेता हमारे हैं वो गांधी परिवार से हैं। खाड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सम्मानित हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि खारगे जी हमारे नेता हैं, राहुल जी नहीं है तो सही बात नहीं होगी ना जो खारगे जी का भी नेता है वो हमारा भी नेता है खाड़गे जी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और हम सब ने उनका समर्थन करके उनको चुना है लेकिन एक बात तो तय है कांग्रेस पार्टी के नेता भी यही कह रहे हैं कि उनके नेता अगर कोई है तो गांधी परिवार से ही है इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हम आपको वो भी सुनवाते हैं ये जो अध्यक्ष पद पे चुनाव का दिखावा और छलावा चल रहा था अध्यक्ष कोई भी बने लेकिन कमान तो गांधी परिवार राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास ही रहेगी क्योंकि ये तो सलमान खुर्शीद ने कहा है अब उनको रिमोट कंट्रोल वाला अध्यक्ष कहें या खड़गे जी को रबर स्टैम्प वाला अध्यक्ष कहें जहां सोनिया गांधी राहुल गांधी कहेंगे मुहर वहां लगाएंगे देश से लोकतंत्र से उनका कोई लेना देना नहीं कि ये सवाल नहीं है कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है जो भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा उसी विचारधारा के मुताबिक काम करेगा खड़गे जी भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि देश के अंदर मोहब्बत की राजनीति हो और वो लोग जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाएं लेकिन मैं, हम सब इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव कराया और अध्यक्ष चुना अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह चुनती है जो लोकतंत्र की हमेशा बात करती है उसको भी हम देखेंगे कि उनके यहाँ चुनाव कैसे होता है